हाँ जी दोस्तों नमस्कार। पहले मैंने आपको बताया था कि बिल्डिंग के अंदर ये जो फ्लोर है, फ्लोर का फायर स्प्रिंकलर को शट डाउन करना है तो आपको कैसे करेंगे, मतलब इस स्प्रिंकलर को ड्रेन करना है तो आपको हर फ्लोर पे कैसे कैसे करेंगे। तो दोस्तों आज हम जो बात करेंगे कि मेन मेन राइजर जो है, मेन स्प्रिंकलर राइजर, मतलब पूरे बिल्डिंग को अगर शट डाउन करना है तो आप कैसे करेंगे। तो चलिए मैं आपको पंप रूम से करके दिखाते हैं कि ड्रेन करना है पूरे स्प्रिंकलर लाइन को तो कैसे आपको ड्रेन करना चाहिए, कहाँ से वाल बंद करना चाहिए, कहाँ से क्या करना चाहिए, तो सारा कुछ मैं आपको ड्रेन करके दिखाऊंगा। हाँ जी दोस्तों अब हम आ गए फायर पंप रूम में। दोस्तों ये जो फायर फाइटिंग पंप सिस्टम देख रहे हैं, आपको स्प्रिंकलर को शट डाउन करना है, स्प्रिंकलर को ड्रेन करना है तो आपको पंप को नहीं छेड़ना है। ये नहीं कि आपको कहीं हमें बेसमेंट में ड्रेन करना है या फिर पूरे बिल्डिंग को ड्रेन करना है तो आपको सोचो कि हम पंप से हम इसको ड्रेन कर दें, तो ऐसा नहीं कि आपका स्प्रिंकलर ड्रेन हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए हमें आपको गोंग वेल पे चलना चाहिए। देख रहे हैं दोस्तों कि ये फायर फाइटिंग पंप सिस्टम, यहाँ पे जो आप ये देख रहे हैं ऊपर आउटलेट हेडर, आउटलेट हेडर ये जो इधर जो जा रहा है ये क्या है, स्प्रिंकलर के लिए गया है। ये स्प्रिंकलर जितने भी पंप चलेंगे स्प्रिंकलराइजर में इधर से पानी जाएगा। अब दोस्तों ये देख रहे हैं ये जो राइजर है पंप रूम से इधर आ गया। अब यहाँ पे क्या है, गोंग वेल सिस्टम लगते हैं जिसको हम बोलते हैं स्प्रिंकलर इंस्टॉलेशन कंट्रोल वाल्व, मतलब जो स्प्रिंकलर को कंट्रोल करने का जो वाल्व होता है और गोंग वेल मतलब यहीं पे लगा होता है। यहाँ पे देख रहे हैं चार लगे हुए हैं, कितने लगे हैं, चार। दोस्तों ये चार इसलिए लगे हैं क्योंकि हमारा जो बिल्डिंग है वो चार टावर है, उसका पंप रूम एक ही है, मतलब चार जोन में ये सिस्टम बटा हुआ है। उसके लिए इंस्टॉलेशन कंट्रोल वाल्व चार लगा है, मतलब चारों बिल्डिंग को हम अलग अलग टाइम पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब ये देख रहे हैं एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, उसके ऊपर हम उसका अलग अलग नाम भी लिख रखे हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि पंप रूम से मेन राइजर आया है, इसको बाद यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है अलग अलग जोन में, तो इसके बीच में जो लगा होता है इसको बोलते हैं स्प्रिंकलर कंट्रोल वाल्व, इंस्टॉलेशन स्प्रिंकलर कंट्रोल वाल्व इसका पूरा नाम है। इसमें फीचर सर एक और होता है कि अगर किसी भी जोन में कोई स्प्रिंकलर टूटता है, उस एरिया में पानी जाता है, तो ये जो स्प्रिंकलर कंट्रोल वाल्व है इसमें एक अलार्म सिस्टम लगा होता है जिसको गोंग वेल बोलते हैं। वो क्या होता है कि जैसे ही उस जोन में कोई स्प्रिंकलर टूटा है, उधर पानी जाएगा किसी भी वजह से, तो इसके अंदर जो मैकेनिकल स्प्रिंकलर अलार्म सिस्टम है वो क्या है, ऑटोमेटिक बजने लगेगा। कैसे बजने लगेगा दोस्तों, क्योंकि इधर से पानी आगे की तरफ ऑटोमेटिक बढ़ने लगेगा। क्यों दोस्तों, अब हमें स्प्रिंकलर लाइन को ड्रेन करना है पूरा कंप्लीट, किसी बिल्डिंग का स्प्रिंकलर लाइन को ड्रेन करना है, उसको हमें क्या करना चाहिए कि सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि कौन सा स्प्रिंकलर पाइपलाइन इस कंट्रोल वाल्व से जुड़ा हुआ है। अगर हमें नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, फिजिकली चेक करेंगे कि कौन सा पाइपलाइन पीछे से आया हुआ है किसी टावर से या किसी जोन से, किसी बेसमेंट से, और इस कंट्रोल वाल्व से जुड़ा हुआ है। अब मैं कंफर्म कर लूँगा कि कौन सा नंबर कंट्रोल वाल्व, जो स्प्रिंकलर कंट्रोल वाल्व है, गोंग वेल भी इसको बोलते हैं, कौन सा पाइपलाइन इससे जुड़ा हुआ है, उसको हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। मान लीजिए हमें ये पता चल गया कि ये वाला कंट्रोल वाल्व इस लाइन से जुड़ा हुआ है, हमें उसको शट डाउन करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, उसका सबसे पहले जो नीचे वाला वाल्व है उसको बंद करेंगे। नीचे वाला वाल्व हमने बंद कर देंगे, ऊपर वाला वाल्व नहीं बंद करेंगे, नीचे वाला वाल्व बंद करेंगे। उसके बाद ये देख रहे हैं आप, ये जो गोंग वेल है इसके पीछे एक ड्रेन लाइन होता है, क्या होता है, ड्रेन लाइन, वहाँ से हम खोलेंगे तो पानी जो इस राइजर का होता है, इस पाइप लाइन का सारा पानी जो है उस ड्रेन के थ्रू निकल जाएगा, निकलना स्टार्ट हो जाएगा। नहीं नहीं दोस्तों, मैं क्या है कि सारा पाइपलाइन चेक कर लिया, मुझे पता चल गया कि कौन सा पाइपलाइन को शट डाउन करना। देख रहे हैं सर यहाँ बहुत सारे पाइपलाइन है, तो हमने क्या कर रखे हैं कि आगे पाइपलाइन में हमने मार्क कर रखे हैं, ये रहा हमारा मार्किंग है यहाँ पे, यहाँ आप देख रहे हैं सभी पाइपलाइन के ऊपर हमने लिखवा रखे हैं कि ये पाइपलाइन किस एरिया में गया है। अब ये जैसे देख रहे हैं टेरिस के लिए गया है, एक गया है फ्लोर टू के लिए, मतलब दूसरे टावर के लिए गया है, उसके नीचे आप देख रहे हो बेसमेंट वन के लिए गया है, अपर फ्लोर टू के लिए गया है, सारा कुछ इसमें एक्सटर्नल हाइडेंट के लिए गया है, सभी पाइपलाइन का नाम हमने इसमें मार्क करा रखे हैं।
उसके बाद हम आगे जाएंगे, देखेंगे ये पाइपलाइन जिस गोंगवेल से जुड़ा हुआ है, जैसे आप देख रहे हैं ये यहाँ पे पाइपलाइन आ गया, ये सारा लिखा हुआ कि कौन कौन से, यहाँ पे भी हमने गोंगवेल के पास भी मार्क करा रखे हैं। उसके नीचे ये गोंगवेल है जिसको हम इंस्टॉलेशन कंट्रोल वाल्व बोलते हैं। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे नीचे, अब हम नीचे का ये जो वाल्व है इसको बंद करेंगे। हाँ, ये वाला वाल्व जो बंद कर, हाँ बंद करो, हाँ हमने इसको बंद कर दिया प्रॉपर तरीके से, ताकि हम पीछे से पानी ना आए। हमने ये वाल्व कई बार ख़राब हो जाता है, हम इसको इंश्योर करेंगे कि वाल्व ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये पीछे ड्रेन वाल्व है, हाँ ये जो है इसको ड्रेन वाल्व बोलते हैं। इसको जब हम खोलेंगे तो इस ड्रेन वाल्व के ऊपर का सारा पाइप लाइन का जो पानी है ये यहीं से खाली हो जाएगा। देख रहे हैं ये क्या होता है, ये पानी आता है जब ज़्यादा ड्रेन खोलते हैं तो। ये जो हमारा ड्रेन वाल्व है यहाँ से देखो पानी निकलना स्टार्ट हो गया। अब ये दोस्तों पानी जो जाता है वो हमारे ड्रेन में जाता है, ठीक है दोस्तों। अब हमें इस बात का भी ख्याल रखना है कि जो ड्रेन कर रहे हैं पानी, क्योंकि इसके अंदर बहुत हज़ारों लीटर पानी होगा, ये ड्रेन होगा तो कहीं पर पानी जा कर बहेगा, तो उसका भी ध्यान देना है कि इसको निकालना कैसे, हमें सब पंप चलाना है, ये सब चीज़ें हमें ही ध्यान देना है ताकि कोई आगे चल के कोई कंप्लेन ना आ जाए। इसके लिए ये सम पिट लगा होता है। बेसमेंट में क्या होता है दोस्तों कि बेसमेंट का पानी ग्राउंड पर अपने आप नहीं चला जाएगा, तो जो ड्रेन का पानी है इस पिट के अंदर जमा होता है। अब ये क्या करेंगे दोस्तों, इस पिट के अंदर जो जमा हुआ पानी को हम पंप के थ्रू, अब ये पंप का एक पैनल है, हम यहाँ से स्टार्ट कर देंगे पंप को, सम पंप को। हमने क्या करेंगे कि ये हालाँकि ऑटो पे होता है, ये जो पंप लगा होता है ये ऑटोमेटिक चलने वाला पंप होता है। जैसे ही पानी भरेगा इस पिट के अंदर ऑटोमेटिक चल जाएगा, लेकिन जब ऑटो पे होता है तो दोस्तों पानी जो होता है कि ज़्यादा नहीं उठाता, हो सकता है कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो हमें क्या करना है इसको फिजिकली, हालांकि इसके अंदर दो पंप लगे होते हैं तो ऑटोमेटिक एक ही पंप चलना है, लेकिन हम ड्रेन कर रहे हैं उस दौरान क्या है कि ज़्यादा पानी इकट्ठा हो रहा है, तो एक पंप क्या होता है कम पानी उठाता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, मैनुअल करके इसको दोनों पंप चला देंगे ताकि पानी को जो है जल्दी से उसको निकाल के बाहर फेंक दे, और वहीं जब तक पंप चलता रहेगा हम उसका ध्यान देंगे, हो सकता है पानी ख़त्म हो जाएगा, खाली पंप चले, उस दौरान क्या होता है कि सम पंप भी ख़राब हो जाएगा, फूक जाएगा, तो ये ध्यान देने वाली बात है, हम चला के कहीं भूल ना जाए, और जो इस पिट के अंदर पानी आ रहा है इस पानी को हम निकालेंगे, और जैसे ही पानी का काम ख़त्म हो जाएगा हम इसको दोबारा से ऑटोमेटिक मोड पर कर देंगे। दोस्तों जैसे ही हमारा स्प्रिंकलर लाइन का काम हो गया, हम उसको लाइन को चार्ज करेंगे, चार्ज करने के लिए वहीं से वाल्व को, जो वाल्व बंद था हम उसको खोलेंगे, उससे पहले ड्रेन वाल्व को हम बंद कर देंगे। उसके बाद दोस्तों जैसे ही हमारा लाइन चार्ज होगा सारा को सिस्टम चेक कर लेंगे, कोई लीकेज वगैरह नहीं हो रहा है, पंप को चला के धीरे धीरे प्रेशर मेंटेन करेंगे, एकदम से वाल्व नहीं खोल देंगे, और सारा कुछ मेंटेन करने के बाद हम उसका रिपोर्ट बनाएंगे और ये इंश्योर करेंगे कि सारा पंप ऑटोमेटिक चल रहा है, कभी इमरजेंसी होगा तो हमारा फायर फाइटिंग तुरंत हो सकता है, स्प्रिंकलर ऑटोमेटिक काम करेगा। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर आपको समझ में आया तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, अगर कुछ कमी रह गई होगी तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बताएं। दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।